दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दोबारा दूल्हा बने भारतीय टीम के सुपरस्टार हार्दिक पांड्या, दूसरी बार हुई नताशा और हार्दिक की शादी, तो खुद नताशा ने सामने से आकर किया है एक बड़ा खुलासा और बताया है कि क्यों दोबारा उन्होंने की हार्दिक पांड्या से शादी। तो आखिर क्या थी वह बड़ी वजह कि हार्दिक पांड्या को दोबारा अपनी पत्नी नताशा से शादी करनी पड़ी। उनके होश उड़ा देने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम के धाकड़ ऑलराउंडर और भारतीय युवा क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हार्दिक पांड्या एक बार फिर शादी के बंधन में बन चुके हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर का चयन किया है। बता दें झीलों की नगरी उदयपुर में कई डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो चुकी है जिसमें मुख्य रूप से 5-स्टार होटलों की भलमार है और यहीं पर कार्यक्रम होते हैं क्योंकि बेहतर व्यू के साथ यह सभी होटल झील के किनारे हैं। जानकारी के मुताबिक हार्दिक और नताशा की शादी भी इन्हीं में से एक होटल में बेहद धूमधाम से संपन्न हुई। दोस्तों एक खास बात यह भी है कि पांड्या और नताशा वैलेंटाइन डे के विशेष अवसर पर शादी के बंधन में बंधे। हालांकि उनकी शादी के डिटेल्स और डेस्टिनेशन गो अब तक पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया था। आपको बता दें हार्दिक पांड्या ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक से 31 मई 2020 में मुंबई में कोर्ट मैरिज की थी। एक साल बाद उनका एक बेटा हुआ था। कोरोना काल में उनकी कोर्ट मैरिज में सिर्फ परिवार के सदस्य ही शामिल हो पाए थे। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अब हिंदू रीति रिवाज से शादी का सराहनीय फैसला किया। 13 फरवरी से शुरू होने वाले उनके शादी के कार्यक्रम के बीच 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हार्दिक पांड्या ने अपने प्यार नताशा स्टैनकोविक से पूरे रीति रिवाज से शादी कर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। इनकी ग्रैंड वेडिंग में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी और वीवीआईपी ने अपनी शिरकत दी। लेकिन दोस्तों सभी के मन में यह बड़ा सवाल था कि आखिर हार्दिक पांड्या दोबारा शादी क्यों कर रहे हैं जबकि उनकी एक बार शादी हो चुकी है। तो वहीं अब इसका जवाब खुद उनकी पत्नी नताशा ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, नताशा ने बताया है कि कोरोना काल के दौरान उनकी केवल कोर्ट मैरिज हो पाई थी, लेकिन हार्दिक के माता पिता पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहते थे। वह अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखना चाहते थे और हार्दिक पांड्या अपने पिता की अंतिम इच्छा को अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए हमने फैसला किया कि हम दोबारा पूरे रीति रिवाज से शादी करेंगे ताकि पूरा परिवार और समाज हमारी शादी का गवाह बन सके। तो दोस्तों नताशा के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या को T20 क्रिकेट में भारतीय टीम का नियमित कप्तान बना देना चाहिए कि नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।